हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई आज की वीडियो देखो, न्यूज़ सुनो। भरी महफिल में पाकिस्तानी पीएम भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाया। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पर मैं जरूर बोलूंगी, अपने मतलब के लिए अब इनको भारत से बातचीत करने, उन्हें कहो अभी कुछ महीने पहले, काफी न्यूज़ आ रही है। हाँ, कुछ महीने पहले जो पुंज में हुआ था वो हम नहीं भूले। ओके, तुम और तुम्हारे जो चैनल वाले हैं, यूट्यूबर जो गेम खेल रहे हो ना, खेल खेल रहे हो इंडिया के साथ, एक ही मुंह तोड़ जवाब मिलना है आप सब लोगों को। नहीं, इंडिया तो क्लियर है कि अगर आप पीओके जो है वापस आ रहे हैं देन इट्स अ ग्रेट थिंग, तब बात होगी। मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ भैया। आप बोलो पाकिस्तानी चैनलों वालों को भी कि अगर तुम चाहते हो कि इंडियंस तुम्हें देखें तो वीडियो में बोलो पीओके इंडिया का है और जय हिंद करो, फिर जाके उनको देखना शुरू करो जब वो हर वीडियो में ये बोलें। अगर नहीं बोल रहे तो उनकी जो कहते हैं ना दोगलापंती, वो नजर आ जाएगी आप लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं। इवन विद आवर नेबर वी आर प्रिपेयर्ड टू टॉक टू देम, प्रिपेयर्ड बिकॉज अफगानिस्तान से वॉर इज नो मोर एन ऑप्शन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश करी। नेबर बोला है, अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। नहीं, इतना लेवल गिर गया है कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं, नहीं है, और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं। टाइम मैगजीन में एक एक इकोनॉमिस्ट है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने भी लिखा है कि चाइना को क्रॉस करेगा भारत अगले 15 सालों में। भारत बड़ी तेजी से आगे है। पाकिस्तानियों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, पेट्रोल को 20 रुपए मजीद महंगा कर दिया गया है। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान बिजली, गैस, एलपीजी समेत दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा भी आईएमएफ मुहाइदे की ही कड़ी है। आपकी नज़र में ऐसी क्या वजह है कि मोदी साहब से इस वक्त शहबाज शरीफ मिलने के लिए जो है वो मरे जा रहे हैं और मोदी साहब उनको वेटिंग लिस्ट में डाल के रखे हुए हैं? आपकी वेटिंग लिस्ट में नहीं, रिजेक्टेड लिस्ट में। आबादी डिफॉल्ट कर चुकी है, उनके घरों के चूल्हे अब बहुत मुश्किल से गर्म हो पा रहे हैं। वी हैड थ्री वॉर्स फॉर द लास्ट 75 इयर्स इंडिया, एंड व्हाट हैपेंड, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट जनरेटेड मोर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बोला था, ट्वीट नहीं किया था, भाषण दिया। भारत को बातचीत का ऑफर आया है। हमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है और वह भारत से बातचीत करने को तैयार है। हम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पड़ोसी गंभीर है तो वह बातचीत को तैयार है। शरीफ ने कहा कि बीते 75 सालों में हमने 3 युद्ध लड़े हैं, इसने सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी को जन्म दिया है। युद्ध अब विकल्प नहीं है। शहबाज शरीफ यहाँ खड़े हो जाएंगे फिर विकल्प होगा। 1971 का जिक्र कर रहे थे, तीनों में ही पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की पेशकश ऐसे वक्त में आई है जब वह खुद अंदरूनी खतरों से जूझ रहा है। बीते हफ्ते ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रैली के दौरान सुसाइड हमला हुआ जिसमें 54 लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में महंगाई भी चरम पर है। अब पाकिस्तान भारत के आगे बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ये मुलाकातें वहाँ पे करें, वहाँ पे ये उनसे ख्वाहिश जाहिर करें, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना करें, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। पाकिस्तान का मोरल डाउन होगा, हमारी मोरालिटी को ये डिस्कस कर रहे हैं। क्या मोदी ने ख्वाहिश जाहिर की है कि आओ मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ? क्या मोदी ने बोला है कि आओ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ? चलो सफारती ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, कर सफारती ताल्लुकात के साथ साथ कश्मीरी ताल्लुकात को बेहतर करते हैं। आपको पता है कि ज्यादातर ममालिक ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, पाकिस्तान को कट ऑफ कर दिया है। मतलब आप देखें कि ज्यादातर अगर कंट्रीज देखें हम तो उनके इंडिया के साथ रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं, वो ट्रेड भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। चुप करो, तुम्हारे घर का चूल्हा भी इंडिया के नाम पे चल रहा है। बुलाया जाता है ना ही कोई पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता है। वो इन चोरों की वजह से, वो इन बदमाशों की वजह से। आपकी नज़र में ऐसी क्या वजह है कि मोदी साहब से इस वक्त शहबाज शरीफ मिलने के लिए जो है वो मरे जा रहे हैं, लिटरली मरे जा रहे हैं
हर एक ही मिनते कर रहे हैं कि किसी तरह मेरी मोदी से मुलाकात करवा दे और मोदी अच्छा, साहब पता है पता नहीं इलेक्शन आ रहे हैं रखे हुए हैं उन्होंने तो नहीं कहा कि उनसे मिलना चाहते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर मोदी जब आए थे जाति उमरा में तो वो किस वजह से आए थे सही है, मैं उस बात को मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा। ये बेसिकली उनके साथ जरा कुछ हप्पी वप्पी का सीन करके अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब पावर में थे वजीर आजम थे तो तब मोदी को उन्होंने झप्पी डाली थी, मैं भी अपना पोर्टफोलियो बनाऊं। आप उनके सामने जो है ना भीख मांग एज इट इज अपनी रूटीन कायम रखते हुए कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत हमने जो है ना वो पूरी दुनिया के सामने भीख मांगनी है कि जी हमें खुदारा जो है ना वो थोड़ा सा स्टेबल करें, हमें थोड़ा सा वो चंदा दे दें ताकि हम अपने जो है ना वो तालुकात बेहतर कर सकें या हम अपना थोड़ा सा टाइम मजीद गुजार सकें। अच्छा कभी आपने ये सुना कि इंडिया भी इस चीज की डिजायर रखता है कि वो पाकिस्तान के साथ तालुकात को बेहतर करना चाहता है या पाकिस्तान किसी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करना चाहता है? इतना लेवल गिर गया है कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है शुगर और आप है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं तो किसी को साथ मिला रहे हैं कि काइंडली खुदारा हमें जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना इनके साथ हमारा करवा दे ताकि हम जो है ना वो थोड़ा सा वो करके हमें थोड़ा सा दूसरा टाइम गुजर जाए ताकि हम जो है ना थोड़ा वो कर ले। सीख रहे भाई आपका हिस्सा थे पाकिस्तान की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई थी बंगाल से शुरू हुई थी और इस वक्त चाइना से कई जो बिजनेस है वो बंद होके चाइना से जो वेस्टर्न कंट्रीज है अपने बिजनेस निकाल के इस वक्त वियतनाम लेके जा रहे हैं और उसके बाद बांग्लादेश मलेशिया लेके जा रहे हैं और भारत लेके जा रहे हैं आपको बाईपास कर रहे हैं क्योंकि आपके धमाके कर रहे हैं आप करप्शन में उनकी मिसालें दे रहे हैं। अब तो अफगानिस्तान भी आगे से निकलता जा रहा है आपसे आप भारत की बात नहीं सुनना चाहते तो आप ना सुने लेकिन ये इसी परसों की बात है कि टाइम मैगजीन में एक इकोनॉमिस्ट है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है उन्होंने भी लिखा है किसी यूनिवर्सिटी के चाइना को क्रॉस करेगा भारत अगले 15 सालों में भारत बड़ी तेजी से आगे है उसमें सबसे बड़ी रीजन ये है कि उनके नौजवान उनके जो यंग का एक तबका है और उनका तालीम याफ्ता होना ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यंग तबका हमारा भी है लेकिन नशों पे लगा पड़ा है ना उम्मीद है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है जिहाद के पीछे लगा दिया गया है और जो बचता मतलब है वो जाके जो उनमें से जो चार बचते हैं वो जाके ग्रीस और टर्की के पास जाके किश्तियों में डूब जाते हैं। मायूसी के साए आपके ऊपर गहरे से गहरे होते जा रहे लोग इंटेलेक्ट जो पढ़ता है कोई थोड़ी सी तालीम लेता है वो भाग जाता है फॉरन ऑस्ट्रेलिया कैनेडा के बाहर निकल जाता है जैसे आप और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक किसी ने इसको टच नहीं किया कि यूथ को या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए। हमारे मिलिट्री चीफ साहब ने तो ग्रीन एग्रीकल्चर मैं उसको भी अप्रिशिएट करूंगा जो कर रहे हैं लोग तो ऐसे तनकीद कर रहे हैं तनकीद बढ़ाए तनकीद उसमें भी पाकिस्तान का भला है मैं समझता हूं बॉटम लाइन सोचनी चाहिए अगर प्राइवेट सेक्टर डिलीवर नहीं कर रहा तो क्या मजायका है जो आर्मी उसके लिए एफर्ट कर रही है मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूं लेकिन दूसरी कौम क्या कर रही है अगर आर्मी चले एग्रीकल्चर में आ गई है तो दूसरी कौम मिलिट्री सेक्टर में आ गया दूसरे लीडर एग्रीकल्चर में आ गई है जो दुबई में डीलों के लिए बैठ के आर्मी की बात क्यों नहीं करते अमीरुल मोमिनीन कहते हैं जिहाद है करना है हमने जिहाद करें इस जिंदगी से मौत अच्छी है बताए ना आर्मी का क्या करेंगे भाई कार्मी का क्या करें जियो इकोनॉमिक्स का दौर है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर क्या करेंगे पाकिस्तान को कहां ले जाके ट्वीट की कार्मी चलाएंगे आप तो सर आपका तो आपकी तो सारी पार्टी ट्विटर की पार्टी टिकटॉक की पार्टी ट्विटर तो बंद हो गया टिकटॉक से मैन्युफैक्चरिंग होती है ट्विटर के साथ एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे आप कुछ अकल को हाथ मारे प्रैक्टिकल चीज बताओ हम लोग ट्रेड की बात करते हैं तो जो मटेरियल दिखाया जाता है जो सैंपल भेजा जाता है वो डिफरेंट होता है और जब आप ऑर्डर ले लेते हैं क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास क्वालिटी जो है वो दी जाती है। वो कह रहे हैं पाकिस्तानियों को कि अपनी अकल पे हाथ मारो भैया जाओ सब अपनी अकल
में हाथ मारो, उससे कुछ होएगा मुझे तो नहीं लगता है। पर ये देख लो कि भाई भरी महफिल में गिड़गिड़ा रहे, गिड़गिड़ा नहीं, वी आर प्रिपेयर टू टॉक, ये उनकी गेम है। ये यूएसए को दिखाना, इलेक्शन भी आने वाले हैं, फिर ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भाई हम तो टॉक करने को अब तैयार हैं। अरे हम तैयार नहीं है, तुम वो ये दिखाएंगे कि हम तो बड़े अच्छे हैं, ये गेम खेल रहे हैं, अब हम तो बड़े अच्छे हैं, हमें प्लीज पैसे दे दो, हम तो बातचीत कह रहे हैं कि क्योंकि बैंकरप्टसी पे जा रहे हैं, खाने को पैसा नहीं, तो इमीडिएटली बोल रहे हैं कि वॉर तो है नहीं जी, अब है नहीं, वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, वॉर इज नॉट, अगर वॉर इज द ओनली सॉल्यूशन, अगर पीओके नहीं देते तो, अगर उनके खाने के लाले नहीं होते ठीक होता, बोलते वॉर तो सबसे इंपॉर्टेंट। अरे कौन सी तुमसे बातचीत करें, जो 400 ड्रोन हम एक टेस्टिंग में ही तुम्हारे पकड़ते मार के गिराए हैं, तुम इंडिया को तबाह करने के लिए वहां से ड्रग्स वेपन्स और टेररिज्म बढ़ाने के लिए पैसा जो फेंक रहे हो, तुमसे हम बातचीत करेंगे जब क्या? अपनी हालत खराब हुई, जब खाने को पैसा नहीं है, गरीबी आ रही है, तब इमीजिएट लगे नहीं वॉर नहीं क्या करें, हम तो भाईचारा करेंगे सब, इनके प्राइम मिनिस्टर में भी को प्यार जाग रहा है, पैसा आएगा सबको जाएगा तो वापस शुरू हो जाएंगे, सारा डिफेंस तो इतना पैसा लगाते हैं बिल्कुल। और अब नई बात हुई है कि उनके जो है आर्मी के लोग भी फार्मिंग करेंगे, खेती कर रहे हैं ये लोग, ये तभी तो वॉर नहीं चाहिए, उनका सूबेदार फार्मर है ये, तभी तो वॉर की औकात नहीं है ना, लांस नायक फार्मर है, अरे रैंक से फार्मिंग है, खेती कर रहे हैं, तो गन छोड़ के अगर वो हल चला रहे हैं तो कहाँ वैरायटी है वॉर के लिए। भाई साहब ये कह रहे थे कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर फेल हो चुका है, थैंक गॉड मिलिट्री सेक्टर उन चीजों में चला गया, अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पा रहा फार्मिंग, मिलिट्री फार्मिंग करेगी। मिलिट्री क्यों फार्मिंग कर रही है, क्योंकि उनके टैंकों में टैंक टूंग जो करते थे मिलिट्री के, उनमें अब तेल तेल डालने के लिए भी पैसे नहीं है उनके, तो वो बेचारे क्या करे, तो उन्होंने कहा चलो खेती बाड़ी ही कर लेते, मतलब मिलिट्री एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर जो हर चीज करती है, ये हमने पहले भी वीडियो किए थे कि मिलिट्री जो है हर चीज करती है, ऐसी ऐसी चीजें भी बनाती है, देखे हम मतलब कपड़े धोने का पाउडर तक बनाती है आती है इनकी, तो प्राइवेट सेक्टर है, यह देख लो क्या कमाल कर रहे हैं मिलिट्री सेक्टर। और इनको बातचीत करनी है, सब लिखो भैया बातचीत का, इंडिया का जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, मेरा जवाब है कि भैया जाओ, कौन हो तुम हम नहीं जानते, इंडिया तो बात नहीं करेगा, इंडिया यही कहेगा पहले पीओ की बात करते हैं, अभी मजेदार जवाब जरा लिखना कमेंट सेक्शन में, ताकि जो भी पाकिस्तानी आए उनको देखें तो उन्हें पता चल जाए कि इंडियंस जो है सोचते हैं तुम्हारे बारे में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।